South. यहाँ पे तू फ्री रह रहे थे टाइम से, मैंने ये कहा कि क्यों रह रहा है? शूट करवाना क्या? नहीं तू बहुत सेल्फिश आदमी है। आपसे ज्यादा नहीं हूँ। लिसन माहा, सबा बॉस, सबा राइट, जस्ट काम डाउन, टेंशन ना लो, ओके? टेंशन टेंशन कैसे ना लूं? आपको पता है ना कि अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया तो फिर क्या होगा? भाईजान मैं जा रही हूँ। वो ऐसा है कि सीएनजी वाली गाड़ी लेके जाना। भाईजान मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ। तो फिर सीएनजी वाला जहाज लेके जाना। हिटलर के साथ शैंपू का इस्तेमाल किया। हिटलर? मगर वो तो मर चुका है। मर गया? हाँ, तो इसी इश्तियार के बाद ही तो मरा। नाक में शैंपू चला गया था ना। प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं हूँ ना। ये आप कौन? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो मैं कहूँगा कि मैं हुमायूं। आपकी दोस्त? अच्छा, तो आप हैं वो जिसकी वजह से महा जी छोड़कर गई हैं? नहीं, माँ मेरी वजह से नहीं छोड़ गई, बल्कि मैं माँ की वजह से आई हूँ। एक ही बात है, नुकसान तो गरीब आदमी का ही हुआ है ना। क्यों? 200 रुपए लेके भागी पगली, अब कौन देगा? मैं आपको बाद में 200 रुपए दे दूंगी। अब मैं बॉस से मिल सकती हूँ? इट्स रियली इम्पोर्टेंट, प्लीज। हाँ, पकड़े रखे किचन में। इफू सीरियसली, वो असल में वापस न्यूयॉर्क चली गई है। इफू एज इन सच में? अच्छा, तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी न्यूज़ दे रही हूँ और तुम इतने लॉस्ट हो, तुम सुन भी नहीं रहे हो मेरी बात। कुछ नहीं जान, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। इफू, लेकिन अभी भी एक मसला है, पापा तुमसे मिलने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आई कैन इमेजिन। आई नो, इट्स ऑल माय फॉल्ट। उनको मनाना मेरा काम था, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा। आई फील लाइक सच अ लूजर। क्या भूख लगी? नहीं, अभी शुरू हो गई खटपट। मैं यहाँ स्ट्रेस आउट हो रही हूँ और तुम जिंगल गा रहे हो। नहीं जान, जान एक्चुअली ये हेलो, हाँ जी मैं आ रहा हूँ, ओके बाय। कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली यार, वो चुन्नी की एड की शूट दोबारा हो रही है ना, तो मुझे ऑफिस जाना है थोड़ी देर के। इफू, तुम्हें अपनी जॉब की पड़ी है और यहाँ हमारी शादी इज एट स्टेक। बट स्वीटहार्ट, प्लीज मेरी बात को समझो तो सही। अगर मैंने एड कैंपेन ना की ना, तो मेरा पूरा करियर एक स्टेक बन जाएगा। एंड स्वीटहार्ट, मैं इस कैंपेन के बाद कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल फारिग हूंगा। एंड हम दोनों बैठ के आराम से तुम्हारे डैड के बारे में सोच लेंगे। ठीक है, तुम इस मसले के अलावा हर मसले के बारे में सोचो। लेकिन जान, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हो। क्या? नहीं, ये मसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है ना। तो स्वीटहार्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने ये एड कैंपेन ना की ना, मेरा करियर फ्लॉप हो जाएगा। अगर मेरा करियर फ्लॉप हो गया तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। अगर मैं फ्लॉप हो गया तो हमारी शादी कैसे होगी जान? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ऐसे समझाया? क्योंकि मैं समझा कि तुम बड़ी हो गए हो ना जान। मैं बताऊं आप कितने बड़े हो गए हैं जान। एनीवे, आई शुड रन। इससे पहले ये कैंपेन किसी और के हाथ में जाए, मैं उसमें हाथ बांट के आता। एक और बात, तुसी कितने स्वीट और इंटेलिजेंट थी। चल चुकी, सॉरी, मैं चलता। ये नेटवर्क भी ना, बॉस का फोन ही नहीं लग रहा। मगर हुआ क्या है? मुसीबत पड़ गई मुझे। ओ अच्छा अच्छा, वो रिश्ते वाला मसला है। हाँ ना, वो हमारे तो पीछे ही पड़ गया। वाह कुदरत का करिश्मा, तुम शादी करना नहीं चाह रहा, हमारा हो नहीं रहा। बस खान, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? हमारा शादी तो इतना पहले हुआ था, अब तो बहुत देर हो गया। अब सोचो, हमारी शादी का वीडियो VHS पे बना था। तो अब हम एक DVD वाला शादी करना चाहते हैं। खैर छोड़ो, तुम ये तो बताओ कि मसला क्या है। मसला
मसला क्या होना है? उस हुमायूं का फोन आया था। हेलो हेलो जी, हुमायूं बात कर रहा हूँ। हुमायूं सईद? अरे नहीं नहीं, वो ही हुमायूं जो आपसे शादी करना चाह रहा था लेकिन आपने की नहीं। ओ, सलाम अलैकुम हुमायूं जी, क्या काम है फरमाइए। तो सबा जी, क्या प्रोग्राम है आपका? प्रोग्राम? उस प्रोग्राम से तो मैंने इनकार कर दिया था। अरे अरे, मुझसे शादी का नहीं, वो इफ्फू को अपने घर वालों से मिलवाने का। राइट, वो थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद मिलवा लूंगी। हाँ नो नो, आपको मिलवाना तो आप कब का मिलवा चुकी होती, ये काम आप मुझ पे छोड़ दें। राइट, लेकिन आजकल इफ्फू बहुत बिजी, वेरी बिजी यू नो। देखें, दिल के काम से जरूरी और क्या काम हो सकता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिजी, बहुत बिजी है वो। ठीक है, तो कल का प्लान बना लेते हैं। कल? जी एक काम करें, आप मुझे जो है वो इफ्फू का नंबर देते हैं, मैं उससे खुद ही बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप क्या बात करेंगे? अरे वही जो आप करने से घबरा रही है। देखें, लड़के जो है वो लड़कियों की मेंटेलिटी को ज्यादा समझते हैं। राइट, बट आप रियली ऑनेस्टली, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद मिलवा लूंगी, मैं बात कर लूंगी। थैंक यू। चलें ठीक है, आप इफ्फू से बात करके मुझे कॉल बैक करें, मैं जो है वो आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। जी ओके। सर, ओ आए, इसका मतलब है वो लड़का तो हाथ धो के पीछे पड़ गया। तो और क्या, जबरदस्ती की भलाई। मैं तो बॉस को पहले ही बता रही थी कि ये एक फ्लॉप आइडिया है। तुम सही कह रहे हो। वो तो मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो बॉस से सलूशन मांग बैठी। वो तो अपने मसले सॉल्व नहीं कर सकते, मेरा क्या करते हैं? ये तो है, मगर अब करना क्या है? अरे इफ्फू, करना क्या है, ये शूट करके अपनी कैंपेन लॉन्च करते हैं। ऑफ कोर्स सर। मिस्टर इफ्फू, अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास है, और एक बात याद रखिएगा कि मेरा नाम अजीम है। और सर आप कितने अजीम हैं? वो तो मैं हूँ, मगर ये बात भी याद रखिएगा कि ये कामयाबी का दूसरा नाम है। तो पहला क्या है? अजीम। राइट राइट। चुनली को शूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल नए टाइप का शूट चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ओरिजिनल काम में बिलीव करता हूँ। सर, मैं बिल्कुल याद रखूंगा। कट, क्योंकि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बॉस लगते हैं, मगर नाम है अजीम। वाह, आप कितनी ओरिजिनल लाइनें कहते हैं। थैंक यू थैंक यू। अरे चिल्ली, आइए आइए। हाय फू। हाय, आई एम रेडी फॉर द शूट। मैं ठीक लग रही हूँ ना? अरे सिर्फ ठीक। मैंने पूछा चांद से के देखा है हसीन, अरे चुनली सा हसीन, चांद ने कहा चुनली की कसम, नहीं नहीं नहीं। ओह गॉड, आप कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसा रहने में। मैडम शूट पे चल। हाँ बिल्कुल चलते हैं। बाय द वे, मुदा कहाँ पे है? एक्चुअली वो स्टूडियो पे वेट कर रहा है। आज शूट मेरे स्टूडियो पे होगी। और हाँ, चुनली का शूट जरा ध्यान से करना, क्योंकि जमाना नाजुक है। अजीम साहब, इतने ओरिजिनल लाइन सोच सोच के आप थकते नहीं हैं? अजीम को थकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये तो हाँ, ये शाहरुख ने भी डॉन में कॉपी की है। God, these Indians, copycats. Right sir, copycats, all of them. अच्छा, तो चलें? Of course, let's go, okay, bye bye. Bye bye. Thank you sir. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Hello. अरे सर, आप फिकर क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना। Hey, Samreen Sakir. हुमायूं, तुम? How are you? I'm good, लेकिन तुम रशिया से वापस कब आए? Well, पिछले ही हफ्ते आया था। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I was just having coffee. लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Well, it's a long story. So well, have a cup of coffee with me and we can share your long story over that. Sure, if you will pay the bill, why not? Okay, I'll pay the bill. Oh.
आते हैं आप बॉस? इधर ही। Okay, I'm ready for the shoot. Start correct? Miss Chun Li, lovely, lovely. One second. Okay, sir, मुद्दे को लेकर आओ। बॉस, ठीक है, आपसे बहुत जरूरी काम है। सर, अभी नहीं, शूट के बाद, right? Is everything right? Of course, problem क्या हो सकती है? There's no problem. मुद्दे को लेकर आओ ना, sir. What are you doing? Boss, Chun Li. It's an emergency. अभी नहीं, later. Go, go. मुद्दे को लेकर आओ. Yes, boss. Go, go, go. वैसे एक बात बताइए, मुंडे का हंसने से क्या ताल्लुक है? था वो इतना फनी है। राइट राइट एनीवे बॉस रेडी है। आई डोंट बिलीव दिस। या इट्स ट्रू, आया था अपनी शादी करने लेकिन, और अब तुम उन दोनों की शादी करा रहे हो। या वैसे एक बात बताओ, तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? Really? Why go through the hassle? I don't understand. Well, you remember that girl Sadia? Sadia Imam. The one who used to study in our college, जो मुझे बहुत पसंद थी। हाँ, जिससे तुम शादी करना चाहते थे। हाँ, जिससे मेरी शादी ना हुई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो कोई उनकी सपोर्ट करने के लिए कोई हुमायूं नहीं था। I know. इसलिए उन दोनों के लिए मैं हुमायूं बनकर रहा हूँ। मगर तुम तो पहले से ही हुमायूं हो। लेकिन मैं फिर भी हुमायूं बनकर रहूंगा। वैसे मैं एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ओह थैंक यू, आई नो। और तुम्हारी नियत देखकर मुझे लगता है जैसे उन दोनों की शादी होकर ही रहेगी। वेल होपफुली, मुझे मेरी उस लड़की से शादी नहीं हुई उसका मुझे कोई ज्यादा अफसोस नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो लड़का था ही वाज वेरी स्वीट गाय। आई एम श्योर ही इज। पहले लड़कियां जो अपनी मिस्ती पे हंस रही है। हमारी बात कर लेंगे। इमरजेंसी है। ओके, अभी कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आओ। थैंक यू बॉस। सो मुदा, आप कभी चाइना गए? चाइना? मैं तो आज तक चीजों की मलिया नहीं टापा, चाइना क्या जाऊंगा? ओह माय गॉड, इट इज सो फनी मैन। मानो तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया है। अच्छा अच्छा मुदा, मैं एक जोक सुनाऊं? देखें। नहीं नहीं, मैं जोक सुनाती हूँ। अच्छा, लतीफा कौन है? कौन है? लतीफ की बीवी। और आपकी तरह के चाइना में एक अरब है, कुछ नहीं खैर एनीवेज। व्हाट एग्जैक्टली बॉस, इसलिए तो मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। हाँ, लेकिन कल इतनी जल्दी? वही तो, वो आपको लेकर मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहता है। सॉरी बॉस, अब क्या करें बॉस, अब क्या करें? वो तो मेरी कॉल बैक करने का इंतजार कर रहा है। Oh God. Exactly. लेकिन बॉस, मैंने विशेष दिखा के उसे ये कहा कि मैं खुद ही आपसे बात कर लूंगी, उसके बाद उसे कॉल बैक करूंगी। गुड ना बॉस। क्या करें बॉस? क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बताए इसका हल इफ भाई। बॉस एनीवे, ऐसा करो, उसे कॉल करो, मैं उससे बात करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? हाय सबा, ये लो मेरे बॉस, इफ से बात करो। हेलो, हाउ आर यू? वो इसके इफ, यार मैंने सोच लिया है कि हम कल ही जाके जो है वो सबा के पेरेंट्स से मिलते हैं। तो आप मिल लेना, मेरे जाने की क्या जरूरत है? यार शादी तुम्हारी होनी है, मेरी तो नहीं, इसलिए तुम्हारा मिलना बहुत जरूरी है। देखिए भाई, आप सिर्फ इनकार कर दें, शादी हम खुद कर लेंगे। नहीं दोस्त, तुम्हें नहीं पता, ये जमाना बहुत जालिम है। एक दफा मैं भी जिंदगी में इस मोड़ पे खड़ा था और मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। है? यार मगर तुम फिक्र ना करो, चाहे मेरे लिए उस वक्त कोई था या ना था, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं जरूर हूँ। अबे क्यों है? I mean, भाई हमें मतलब है कि just relax, हम कोई सही टाइम ढूंढ के सभा के पेरेंट्स से बात कर लेंगे। यार फूदल की बातों में इंतजार नहीं किया जाता, अभी तो मैं था जो मैंने इनकार कर दिया, मेरी जगह कोई और होता ना करता इनकार, फिर क्या करते, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते और सभा किसी और की हो जाती। जी मगर वो
यार बस तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही तो मसला है। क्या? कोई मसला पड़ ना जाए। अरे यार ये तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम जो है वो कल 5 बजे जरूर तैयार रहना, कल सबा के पेरेंट्स से जो जाके मिलना है, बाकी की डिटेल्स मैं सबा को बता दूंगा। ओके मैन, बाय। थैंक यू। ओके बाय। क्या बस, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बस? करेक्ट, होना क्या है, उसकी सीडी तो उस मिलने वाले गाने पर ही अटकी हुई है। ओह नो बॉस, अगर आप मेरे मामा जान से मिले तो फिर हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा तो फिर मुझे आपसे शादी करनी पड़ जाएगी। दैट्स जस्ट नॉट राइट बॉस। यस प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए, बिकॉज़ अदरवाइज आई कितने पैसा है, अब मैं एक और फुकार से लाऊं।